BCH601 जेनो यूनिट नंबर 3 छे बायो इनोर्गेनिक केमिस्ट्री। हजी सुधी मित्रों बायो इनोर्गेनिक केमिस्ट्री में कोईपण फेकल्टी तरफ थी कोईपण प्रकारना MCQs प्रोवाइड थयेला नथी, एटले आप सर्वे मित्रों माटे आगामी इंटरनल एक्जामिनेशन एज वेल एज यूनिवर्सिटी एक्जामिनेशन संदर्भ में आ यूनिट में आ पहलूज वीडियो पार्ट वन रूप में हूँ आपनी समक्ष मूकी रह्यो छुं। BSc सेमेस्टर 6 CCCH यूनिट नंबर 3 वीडियो पार्ट 1 शुरू करिए छे बायो इनोर्गेनिक केमिस्ट्री। मित्रों आ यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन सजीवना विकासनी प्रक्रिया में कुदरती रीते मळता तत्वोनी संख्या केटली छे, केटला एवा कुदरती तत्वो छे जे कुदरती रीते ज प्राप्य छे कुदरतमांथी ज नेचरमांथी ज, जे लीविंग पार्टिकल्स पार्टिकल्स जे छे सजीव सृष्टि एना विकासनी प्रक्रियामां आ तत्वो खूब उपयोगी छे। तो एवा कुल कुदरती तत्वो जे छे एनी संख्या केटली छे, 92 27 65 के 25? तो मित्रों करेक्ट आंसर छे ए 92, एटले के 92 जेटला तत्वों जे कुदरती रीते प्राप्य छे। त्यार पछीनो क्वेश्चन छे सजीवना विकासनी प्रक्रियामां कुदरती रीते मळता तत्वोमांथी कुदरत द्वारा ज पसंद थयेला तत्वोनी संख्या केटली, ए 92 केटला एवा तत्वो छे जे कुदरती रीते पसंद थयेला छे? तो अहीं ऑप्शन छे 92 27 65 के 25? तो करेक्ट आंसर छे आउट ऑफ दीस 92 आ कुल तत्वो छे कुदरतमांथी मळता, ज्यारे एमांथी पसंद थयेला तत्वो जे खरेखर सजीवनी विकासनी प्रक्रिया जे छे कुदरती प्रोसेस एमां उपयोगी तत्वो छे एवा आंसर बी 27 जेटला तत्वो छे। त्यार पछी क्वेश्चन नंबर 3 सजीवना विकासनी प्रक्रिया में कुदरती रीते पसंद थयेला तत्वो जे हमणां ज आपणे अगाउनी स्लाइड में जोई गया एवा 27 तत्वो कुदरती रीते पसंद थयेला तत्वो, ए तत्वों ने कया नाम थी ओळखवामां आवे छे? जरूरी तत्वो, मुख्य तत्वो, आवश्यक तत्वो के बिना आवश्यक तत्वो? तो आप सर्वे मित्रों जाणो छो करेक्ट आंसर इज सी, आवश्यक तत्वो तरीके एने ओळखवामां आवे छे, एसेन्शियल एलिमेंट्स जेने इंग्लिशमां कहेवाय छे। तो कुल तत्वो 92 छे, એમાંથી પસંદ થયેલા તત્વો 27 જેટલા છે અને એ 27 તત્વોને એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ્સ અથવા આવશ્યક તત્વો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ધેન ક્વેશ્ચન નંબર 4 જૈવિક પ્રણાલીઓમાં હાજર તત્વો પૈકી સૌથી ભારે ધાતુ તત્વ કયું છે? સૌથી ભારે ધાતુ તત્વ, દેટ ઇઝ મેંગેનીઝ ઓર પ્લેટિનમ કેડમિયમ ઓર મોલિબ્ડિનમ? તો સૌથી ભારે તત્વ, આ બધા ભારે તત્વોની વ્યાખ્યામાં જ છે, પણ સૌથી ભારે તત્વ જૈવિક પ્રણાલીઓમાં જેટલા તત્વો હાજર છે એ પૈકીનું જો કોઈ હોય તો કરેક્ટ આન્સર છે ડી મોલિબ્ડિનમ, સૌથી ભારે ધાતુ તત્વ છે। ધેન ક્વેશ્ચન નંબર 5 જૈવિક પ્રણાલીઓમાં હાજર તત્વો પૈકી સૌથી ભારે અધાતુ તત્વ કયું? ધાતુ ન હોય એવું અધાતુ તત્વ, ઇટ ઇઝ આયોડિન ઓર કાર્બન ઓર ફોસ્ફરસ ઓર નાઇટ્રોજન? તો આ બધા અધાતુ તત્વો છે, આમાંથી સૌથી ભારે અધાતુ તત્વ કરેક્ટ આન્સર છે એ આયોડિન છે। ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન નંબર 6 જૈવિક પ્રણાલીઓમાં હાજર આવશ્યક તત્વો પૈકી, એટલે 27 આવશ્યક તત્વો જે છે એ પૈકી મુખ્ય તત્વોની સંખ્યા, એમાંય પાછા મુખ્ય તત્વો છે, 27 આવશ્યક તત્વોમાં મુખ્ય તત્વોની સંખ્યા કેટલી છે? 11 જેટલી, 13, 15 કે 17? તો કરેક્ટ આન્સર છે એ 11 જેટલા તત્વો જે છે એ આવશ્યક તત્વો પૈકી મુખ્ય તત્વો છે। ધેન ક્વેશ્ચન નંબર 7
जैविक प्रणालियों में हाजर आवश्यक तत्वों पैकी सूक्ष्म तत्वों की संख्या, तो मित्रों अहीं आवश्यक तत्वों 27 में केटलाक तत्वों मुख्य तत्वों तरीके ओळखाय छे अने केटलाक तत्वों सूक्ष्म तत्वों जेने इंग्लिश में ट्रेस एलिमेंट्स तरीके पण ओळखवामां आवे छे, माइक्रो एलिमेंट्स अथवा ट्रेस एलिमेंट्स। ओके, तो एवा ऑप्शन डी एटले के 16 जेटला छे। तो 16 सूक्ष्म तत्वों छे अने मुख्य तत्वों 11 जेटला छे, एम कुल 27 तत्वों आवश्यक तत्वों तरीके जैविक प्रणालियों में हाजर होय छे। क्वेश्चन नंबर 8, मरघीना बच्चा अने उंदरोना हाड़पिंजर ना विकास माटेनू आवश्यक तत्व क्यूँ है? मित्रों आमा आयोडीन, फ्लोरिन, बोरोन के सेलेनियम, क्यूँ तत्व एवं है जे मरघीना बच्चाओं अने उंदरोना हाड़पिंजर ना विकास में खूबज आवश्यक है? तो करेक्ट आंसर है सी, बोरोन तत्व, बी बोरोन। जे बोरोन तत्व मरघीना बच्चाओं अने उंदरोना हाड़पिंजर ना डेवलपमेंट माटे ए तत्व होवू जरूरी छे। त्यार पछी क्वेश्चन नंबर 9, मित्रों एटीपी, कैपिटल एटीपी नुं पूरु नाम शुं छे? वॉट इज द फूल फॉर्म ऑफ एटीपी? इज इट एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन टेट्राफॉस्फेट, एडिनोसाइन एमिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के ऊपरनु एक पण नहीं? बराबर समझी लो, एटीपी, ओके, ए फॉर एडिनो, टी फॉर साइन, पी फॉर ट्राइफॉस्फेट, और ए फॉर एडिनो साइन, पी फॉर टेट्राफॉस्फेट। अहीं ए एडिनो की जगह एमिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के एक पण नहीं? तो करेक्ट आंसर छे ए, एटीपी नु पूरु नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट छे। देन लास्ट क्वेश्चन इज 10, कुदरत में नाइट्रोजन ना संयोगीकरण थवा माटे नाइट्रोजन नु संयोगीकरण वनस्पति में बहुत जरूरी छे, खास करीने कठोर वर्गनी वनस्पति में। तो कुदरत में नाइट्रोजन संयोगीकरण थवा माटे सौथी उत्तम जीवाणु कयो छे? नाइट्रोजन नु संयोगीकरण अपने खातरो द्वारा के जमीन में पोषक तत्वों द्वारा नाइट्रोजन की उणप ने पूरी करीए छे, पण ए नाइट्रोजन नु संयोगीकरण थाय छे, ए संयोगीकरण कोई जीवाणुओं द्वारा थाय छे, एमा उत्तम जीवाणु कयो छे? फूग छे, ईस्ट छे, लील छे के राइजोबियम बेक्टेरिया छे? तो करेक्ट आंसर छे नाइट्रोजन नु संयोगीकरण थवा माटे सौथी उत्तम जीवाणु तरीके ऑप्शन डी राइजोबियम बेक्टेरिया जमीन में होवो जरूरी छे। तो मित्रों आ प्रकारे बायो इनोर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब सरल अने खूब सहेला अने परीक्षा की दृष्टिए, परीक्षा एटले तमारे बे परीक्षा आपवानी छे, इंटरनल एग्जाम एज वेल एज यूनिवर्सिटी एग्जाम। हवे तमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम पण ऑनलाइन पद्धति थी फाइनल थई गई छे, એટલે આ વિડીયો આજે હું બાયો ઇનઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રીના પાર્ટ 1ના રૂપમાં મૂકી રહ્યો છું। આશા રાખું છું કે આ 10-10 પ્રશ્નો આપ સર્વે મિત્રોને ખૂબ ગમ્યા હશે, એને જરૂર લાઈક કરો, અન્ય ગ્રુપોમાં શેર કરો અને જલ્દીમાં જલ્દી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વેઇટિંગ ફોર નેક્સ્ટ વિડીયો। ધન્યવાદ, ધન્યવાદ।